गंग गणपति नमः। आप सभी का स्वागत है भक्तों आपके चैनल पे गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज आपको सुनाएंगे कि क्यों मनाई जाती है अनंत चतुर्दशी वाले दिन भगवान गणेश की विसर्जन की कहानी। बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ ये कहानी सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। गणेश भगवान जी की प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है भाद्रपद शुक्ल गणेश चतुर्थी के दिन। ढोल नगाड़ों और नाचते गाते सभी लोग अपने घर घर से स्थापित किए जाने वाले, 10 दिनों तक पूजे जाने वाले, आराधना किए जाने वाले गणपति बप्पा को ले जा कर के विसर्जित करते हैं। गणेश विसर्जन की धूम इतनी रहती है कि सड़कों पे चलने की जगह नहीं रहती है। बड़े बड़े पंडालों में आज के दिन बहुत अधिक धूम लगती है। क्या आप जानते हैं कि आज के दिन गणेश भगवान की प्रतिमा का विसर्जन क्यों किया जाता है? इसके पीछे की एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार जब ऋषि देव व्यास जी ने पूरे महाभारत के दृश्य को अपने अंदर आत्मसात कर लिया, लेकिन वे लिखने में असमर्थ थे, तब उन्होंने महाभारत को लिखने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि मुझे एक लेखक की आवश्यकता है जो बिना रुके पूरी महाभारत लिख सके। तब उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से जब ये बात कही, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बुद्धि के देवता गणेश जी का सुझाव दिया। तब ऋषि गणेश भगवान के पास जाके उनसे लिखने के लिए प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुन करके गणेश भगवान ने स्वीकृति दे दी महाभारत को लिखने के लिए। ऋषि देवव्यास जी ने चतुर्दशी के दिन लगातार 10 दिनों तक महाभारत का पूरा वृतांत गणेश भगवान को सुनाया, जिसे गणेश भगवान ने 10 दिनों तक लगातार कथा सुनने के बाद जब महाभारत की कथा पूरी हुई और वेद व्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ गया है। उन्हें के शरीर का तापमान इतना अधिक बढ़े हुए देख करके उनका शरीर अत्यधिक लाल हुआ था। तब वेद व्यास जी ने उनके शरीर पे मिट्टी का लेप लगाया। मिट्टी का लेप जब सूख गया तो उनका शरीर अकड़ गया, शरीर से मिट्टी झड़ने लगी। तब ऋषि वेद व्यास जी ने गणेश जी को सरोवर में ले जा करके स्नान कराया, जल में डुबकियाँ लगवाई और मिट्टी का को साफ करवाया। जब मिट्टी शरीर से निकल गई तब उनका शरीर अत्यधिक ठंडा और शांत हो गया। जिस दिन महाभारत पूरी हुई थी वह अनंत चतुर्दशी का दिन था, तभी से गणेश जी को 10 दिनों तक बिठाया जाता है और 11वें दिन गणेश उत्सव के बाद बप्पा जी का विसर्जन किया जाता है। इस दिन गणेश विसर्जन करने से गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा करने के बाद गणेश भगवान के कान में अपनी मनोकामना कहने से गणेश भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय हो। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी के घर परिवार पे गणेश भगवान की कृपा अत्यंत ही बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, भोलेनाथ की भक्ति करते रहिए। हर हर महादेव।